नमस्कार 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 दोस्तों, मैं विशाल ठुमर विवेरा इंटरनेशनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में दिखाने वाला कुछ नई डिजाइनर साड़ियां, कुछ नए कंसेप्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड के हिसाब से बहुत सारा नया कलेक्शन आया है। अगर वही ट्रेंड का कलेक्शन अगर आपकी शॉप पे, आपके घर पे, आप जहां पे भी व्यवसाय कर रहे हो, जहां पे भी बिजनेस कर रहे हो, उस चीज को रखते हो तो बहुत ही ट्रेंडिंग चीज होने के नाते आपको 100% सेलिंग मिलेगा। आज की जो नई ट्रेंड चल रही है दोस्तों, फ्रिल वाली साड़ियां। आजकल जहां पे भी आप देखेंगे, बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज है, डिजाइनर है, वो कुछ ना कुछ इस तरीके की साड़ियां पहनते, जिसमें से एक डिजाइन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, फैब्रिक की बात की जाए, यहाँ पे विचित्रा सिल्क फैब्रिक में डिजिटल प्रिंट किया गया है। ये साड़ी 3 से 4 अलग अलग प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे मेरे हाथ तक पहुंची है। साड़ी की डिटेल में बात करूं तो ऊपर आप देखेंगे पूरा व्हाइट कलर है, जैसे जैसे आगे चलता है लाइट बेबी पिंक कलर और नीचे रेड डार्क कलर तक ये साड़ी पूरी पेडिंग में बनाई गई साड़ी है। साड़ी को आप देख सकते हो पूरा फ्रिल किया गया, प्लीट किया गया है, तो आप देख सकते हो ये पूरी साड़ी जब 8 मीटर मेरे मशीन के अंदर जाती है, प्लेन फैब्रिक 8 मीटर मशीन के अंदर जाता है तो आउटपुट निकलता है 5.5 मीटर तक का, उतना वो श्रिंकेज होती है, क्रश होती है, शॉर्ट होती है। तो दोस्तों, अलग से ब्लाउज पीस मिलेगा इसमें, डार्क टोन मैचिंग का यहाँ पे रेड कलर का प्लेन ब्लाउज पीस यहाँ पे दिया गया है। ये साड़ी के रेंज की बात करें 675 रुपीज के अप्रोक्स की ये कुछ साड़ी मिलने वाली है आपको, जो मार्केट में आराम से 1500-1700-2000 रुपए तक की ये साड़ी बिकने वाली है। अच्छे मॉल में, बड़े स्टोर पे आप जाएंगे, 3500-4000 रुपए तक की ये साड़ी बिकती है। साड़ी का मेन कमाल है वो ये प्लीट है और आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसमें अलग अलग और भी कलर्स हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। दूसरा कलर में भी आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाने वाला हूँ। प्लेन कलर की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है, अलग अलग 12 कलर में आपको प्लेन डिजाइन मिलने वाली है जी। जैसे आप प्लेट की बात कर रहे हैं, मैं अभी रिसेंटली एक मॉल में गया था, ऐसी मैंने एक डिजाइन देखी थी, ठीक है, तो उसमें ये साड़ी का प्राइस अराउंड 2500 रुपए लिखा हुआ था, तो मैं भी देख के शॉक हो गया कि ये ऐसी साड़ी 2500 में मॉल में मिल रही है और आप 675 की रेंज में, अराउंड 675 की रेंज में बता रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे नेवी ब्लू कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी आपको दिख रही है यहाँ पे। कभी कभी हम भी बड़े मॉल में जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे मॉल में विजिट करने के लिए घूमने जाते तो वहाँ पे भी हमारी साड़ियाँ लगी हुई होती है, खुशी मिलती है। अच्छी अपनी साड़ी कहीं मॉल पे आप देख जाओगे तो अच्छा महसूस होता है, अच्छा फीलिंग आता है, राइट। हम भी उसके खुद रेट देखते हैं कि क्या रेट में बेच रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि मार्केट का एक्सपीरियंस तो सबको होना ही चाहिए। दूसरी चीज ये भी है, आपकी बहुत सारी डिजाइन है, मैंने बहुत जगह देखी है कि आपका माल हर जगह ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह जाता है, आपका माल ऑल ओवर इंडिया में आपके कस्टमर आपके बहुत सारे बने, जिससे आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है जी। दोस्तों, और एक डिजाइन दिखाना चाहूंगा, दोस्तों आप देख सकते हो लेरिया प्रिंट की साड़ी, यहाँ पे लेस बॉर्डर की बात की जाए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लेस लगाई गई है। पार्टी वेयर फंक्शन में एवं छोटे मोटे ओकेशंस में इस प्रकार की साड़ियाँ पहन सकते हो, मतलब दो चीज में एक ही आपने पूरा कन्वर्ट कर दिया, लहरिया भी है, लेस भी प्रॉपर मस्त आ गई। और इसका जो मेन अट्रैक्शन है दोस्तों, ब्लाउज पीस रहेगा। अब देख सकते हो जैकार्ड मशीन का ब्लाउज पीस दिया गया है, अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया गया है यहाँ पे साड़ीज का। ये भी साड़ी अगर आपके ऑर्डर में बुक कर सकते हो तो अच्छा है, अभी का टाइम है, बहुत ही सही समय है दोस्तों। आप बिजनेस करना चाहते हो तो आगे दीपावली का त्योहार है, दीपावली के बाद सब मार्च तक कंटिन्यूअस वेडिंग सीजन चलेगा, शादी विवाह के इतने मुहूर्त निकले हैं, तो इसके लिए सबको मेन चीज साड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले तो ये बेस्ट मौका है, बेस्ट समय है। इस टाइम के ड्यूरेशन में आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस सेट होने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाएंगे जी। बाकी तो सबका नसीब, सबकी मेहनत, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे कोई भी बिजनेस करने के अंदर जी। पिछले कुछ समय से मैं भी सोच रहा था कि छोटे रिटेल स्टोर वाले हैं, उसको इतना सीजन नहीं निकल रहा है, उतनी तेजी नहीं निकल रही है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक तो ऑनलाइन मार्केट इतना बढ़ गया, ई कॉमर्स मार्केट, मान लीजिए अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल है,
जिस पे बहुत ही सस्ता माल बिकता होता है, तो बहुत सारे कुछ कस्टमर्स वहां से भी परचेस करते होते हैं। और दूसरा भी ट्रेंड क्या निकला है, बड़े बड़े मॉल जहाँ पे साड़ियाँ तो कम मिलती है पर कुर्ती, लेगिंग्स या तो फिर ड्रेस मटेरियल्स, लहंगा चोली, दुपट्टा, साड़ी, दुपट्टा सब वहां पे मिल जाता है वो सस्ते दामों में, राइट। तो उसको टक्कर देने के लिए सब रिटेल व्यापारी वो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सस्ते दामों में परचेस करेंगे तो ही वो मार्केट में ज्यादातर लंबे समय के लिए टिक पाएंगे, तो या तो अच्छा व्यापार ले पाएंगे। वरना क्या होगा, उसका जो डेली का जो व्यापार आ रहा होगा उसमें हर बार कम व्यापार आने लगेगा, क्योंकि वो बड़े बड़े मॉल वाले क्या करते हैं, जो सस्ते दामों में बेच रहे एक साथ बल्क क्वांटिटी बनाते हैं, 15,000 पीस, 20,000 पीस, 25,000 पीस बल्क क्वांटिटी बनाते हैं, सीधे फैक्ट्री वालों से बनवाते हैं, उसकी रीजन से उसका कॉस्टिंग बहुत ही कम आता है और वो लोगों को बल्क में बेचना होता है इसलिए वो सस्ते दामों में बेच देते हैं। तो वही रीजन की वजह से जो छोटे व्यापारी भाइयों है वो लोगों को नुकसान हो रहा है, उसका व्यापार इतना नहीं आ रहा है, और जितना व्यापार आ रहा है खुद का खर्चा इतना होता है, शॉप रेंट पे होती है तो रेंट, मेंटेनेंस, लाइट बिल, एक्स्ट्रा खर्चा, स्टाफ का खर्चा, वो सब खर्चा की वजह से छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान जा रहा है दोस्तों। तो छोटे व्यापारियों को भी रिक्वेस्ट है कि आप आइए, सूरत आइए, विजिट कीजिए, अहमदाबाद जाइए, जयपुर जाइए कुर्ती के लिए, या तो फिर और सिटी है वहां पे जाइए, दिल्ली जाइए, जहां पे जो जो मैन्युफैक्चर से सोर्स मिलता है वहां से विजिट कीजिए, देखिए, समझिए और वहां से डायरेक्ट परचेस करना शुरू कीजिए, तभी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए एक बिजनेस प्लान रहेगा दोस्तों आपके लिए। जी आप देख सकते हो दोस्तों ये साड़ी की डिजाइन बहुत ही खूबसूरत, करवा चौथ के लिए स्पेशल साड़ी, आप देख सकते हो कोटिंग मल्टी सिकन का पूरा कट वर्क का साड़ी दिया गया है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया साड़ी है जी। जो भी मैन्युफैक्चरर है दोस्तों उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि माल ऑनलाइन बिकता है या ऑफलाइन बिकता है, बनता तो मशीन में ही है, राइट। तो जो भी मशीन लेके बैठे है, मशीनरी है जिसका खुद का फैक्ट्री है, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे स्ट्रेटेजी जो भी चेंज हो, मार्केट ऑफलाइन की तरह मुड़े, मार्केट ऑनलाइन की तरह मुड़े, या तो मार्केट B2B B2C कोई भी लेवल पे जाए, राइट। पर लास्ट में माल किसका बिकने वाला है, फैब्रिक है तो साड़ी है तो रॉ मटेरियल जो बना रहा है उसका बिकने वाला है, यार्न बना रहा है, डाइंग कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, या तो फिर डिजिटल प्रिंट कर रहा है, एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, जो मतलब कि खुद की मशीनरी है उसको ही बेनिफिट होने वाला है लास्ट को। तो जी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्लीव दी गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यापारी नहीं कमाएगा, आज मैन्युफैक्चरर से ज्यादा व्यापारी कमाते हैं, उसका मार्जिन ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरर का मार्जिन बहुत ही कम होता है पर कंटिन्यूस चलता रहता है, वो प्रोडक्शन रोक नहीं पाते, उसके मशीन बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इतना होता है कि वो टिक नहीं पाते मार्केट में, इसलिए उसको मशीन चलाने के लिए कोई भी रेट में आगे माल सप्लाई करना ही पड़ेगा। जबकि व्यापारी जो भी है वो माल उसके घर पे या शॉप पे दबा के रखेगा, जब उसका पैसा मिलेगा तभी वो माल बेचेगा। तो सब बेनिफिट है, सब लॉस है, सब बेनिफिट है, प्लस है माइनस है मार्केट में। आप देख सकते हो ब्लैक कलर की साड़ी कुछ इस तरीके से दिखेगी, पूरी साड़ी के अंदर सीक्वेंस का पूरा वर्क किया गया, आप देख सकते हो नजदीक से। डिजाइन तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरा कम्युनिकेशन कर सकते हो, हमारे सेल्स टीम पूरी बैठी है जो आपको दिखा देंगे कि ये डिजाइन्स ये रेट में, ये फोटो के साथ, ये फैब्रिक डिटेल के साथ आपको मिलने वाली है। ब्लाउज पीस की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से ब्लाउज पीस मिलेगा। साड़ीज के रेंज की बात की जाए 120 रुपीज से लेके 1500-1700 रुपए तक की साड़ियां हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो मार्केट के अंदर 150 रुपए से लेके 5000 रुपए तक लोग बेचते हैं, राइट। सबका अलग अलग मुनाफा रहता है। हमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 300 रुपए की साड़ी है मैं कितने रेट में बेचूं, हमें कितने रेट में बेचना चाहिए। तो हम सब जानकारी लेते हैं कि आपका गाँव का एरिया है, सिटी का एरिया है, मेट्रो सिटी है, आप कहाँ पे बैठे हो, स्टोर लेके बैठे हो, घर से बेच रहे हो, छोटी शॉप है, बड़ी शॉप है, मॉल है, किस प्रकार का आपका सेटअप है, आपका इंटीरियर कैसा है, आपका एक्स्ट्रा खर्चा कितना है, राइट। तो वो सबको कंसीडर करते हुए कोई भी व्यापारी उसका मार्जिन ऐड करेगा और आगे बेचेगा। तो वही होता है दोस्तों कि 300 रुपए वाली साड़ी बेचने वाले 900 रुपए में रिटेल में बेचते और बेचने वाले 350 रुपए में भी बेच देते। आपको डिसाइड करना है कि आपका सेटअप कैसा है, आप किस रेंज से आगे आपके मार्केट में बेच सकोगे और मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छा नाम कमा सकोगे दोस्तों।
जिसका एक और कलर आपके सामने यहाँ पे है, जो व्हाइट कलर पूरा ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी डिजाइन दिखानी है, जिसके टाइम की पाबंदी की वजह से सब डिजाइन दिखा पाना यहाँ पे मुश्किल है। ये कल ही मेरे गोडाउन में आया है माल फैक्ट्री से। आप देख सकते हो ऑर्गेंजा सिल्क फैब्रिक के अंदर स्काई ब्लू कलर के अंदर दिया गया, बहुत ही अट्रैक्टिव एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया, पूरा स्टोन का हैंडवर्क किया गया, पूरा हैवी साड़ीज आपको मिलने वाला है बहुत ही लो रेट में। आने वाले फंक्शन, आने वाले त्योहार के लिए बेस्ट साड़ी है दोस्तों जी, बहुत ही बढ़िया। अभी दीपावली को ऑलमोस्ट एक महीना जितना समय रह गया है, राइट, ज्यादा समय नहीं है। हमारे यहाँ पे भी पूरा डेली टू डेली सब कस्टमर का कॉल टू कॉल आता है कि ये कब डिस्पैच हो रहा है। हमारे यहाँ से फैक्ट्री पे कॉल टू कॉल जाता है कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्द भेजो, क्योंकि जो मशीन पे प्रोडक्शन चल रहा होता है उसका बुकिंग ऑलरेडी आ चुका होता है और सबको डिस्पैच करना होता है कि ये पूरा टाइम है वो पूरा क्या है कि बिजी शेड्यूल है पूरा, इतना टाइम नहीं मिल पाता है सब जगह पे, और शॉर्ट टाइम के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा डिस्पैचिंग करना होता है दोस्तों। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एक कंसेप्ट पसंद आया होगा, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, डिजाइन पसंद आया है। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के वीडियोस में बस इतना ही, धन्यवाद।